थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक जो बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे और हर जगह चल रही है, आफ्ताब इकबाल साहब बड़ा नाम है और पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपने आफ्ताब इकबाल साहब का जो प्रोग्राम है वो छोड़ दिया, तो असल रीज़न क्या बनी? क्या कोई पर्सनल आपके अख्तलाफात थे या फिर कोई पर्सनल मसरूफियाँ ज़्यादा थी इसलिए छोड़ दी? आवाम को ज़रा थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आपको पता है कि कितनी तजस्सुस में रहती है हमारी आवाम। आफ्ताब साहब वैसे एक लेजेंड हैं, वो हमारी सर आंखों पर हमारे सीनियर हैं, लेकिन वही बात की बात, पीटीआई का वो साथ देते हैं, पीटीआई का पूरी दुनिया ही साथ दे रही है, लेकिन बात ये कि सच्चाई की होती है। मैं वही बात की ना, मैं सच्चाई के साथ खड़ी होती हूँ। मुझे उन्होंने एज अ सिंगर अपने पास बुलाया, जब वो मुझसे सिंगिंग ही नहीं करवा रहे तो मुझे क्यों बिठाया? मेरा उन्होंने 2 माह जो मेरे ज़ाया किए मेरी ज़िंदगी के, मैं एक इवेंट का चार्ज करती हूँ तो 2 माह उन्होंने मेरी ज़िंदगी के ज़ाया किए हैं। टाइम सबसे महंगा है और उनका रवैया बहुत बुरा है, जो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं, क्योंकि आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह सारी दुनिया सुनना चाहती है, वो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते थे इस चीज से, वो फायदा ये जो है ग्रैब कर सकते थे, वजह क्या बनी, क्या उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन? वो कहते हैं कि जी मैं ही स्टार हूँ पूरी दुनिया में, सो वो अपने आप को स्टार, उनके सामने एक कोई सिंगर तो नहीं है ना, बस वो खुद ही सब कुछ है, गाने वाने गा लेते थे सब कुछ, वो आप देखिए उनकी वीडियोस, वो सिंगर भी खुद है, वो जज भी खुद है, वो पोएट भी खुद है, वो सभी कुछ ही खुद है, सो वो किसी और की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं करते, तो ये वजह बनी बेसिक। बिल्कुल यही वजह बनी, और वो उन्होंने जो मुझे किल करने की कोशिश की, सो मेरे काफ़ी हार्श किस्म की गुफ्तगू उनकी टीम से भी हुई, सो मैं छोड़ कर आई।